ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आगे अपनी शिक्षाओं में कैसे हृदय ग्रंथि को हमें ढीला करना है और धीरे धीरे कैसे अनासक्त होना है, मैं और मेरा ये जो भावना है हमारे मन के अंदर में, हमारे हृदय में, जो बहुत कठोरता से हमें संसार में बांधे हुए है, इससे कैसे मुक्त होना, उसके बारे में शिक्षाएं ऋषभदेव जी दे रहे हैं। तो पहला उन्होंने बताया था कि हमें हमसा गुरु, जो परम हंस गुरु हैं, उनके निर्देश में भगवान की भक्ति करनी है, उनके दिखाए गए मार्ग के द्वारा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। और क्या क्या करना है, वो कहते हैं वितीर्षणया। वितीर्षणया का मतलब है, तृष्णा मतलब होता है बहुत सांसारिक भूख, हम जो है भोग विलास के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत आसक्त है, इसके पीछे भागते हैं, इससे हमें दूर रहना है। डिटेस्ट बोलते हैं ना, जैसे मान लो आप कुछ खराब चीज को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कुछ गंदी चीज देखते हैं, आप उसके ऊपर थूक देते हैं। ये हमारे मन के अंदर में भावना जागृत होनी चाहिए कि ये सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति, अरे ये तो जानवरों के पास में भी है, तो उसके ऊपर हमें थूकना चाहिए कि क्या मैं भी मनुष्य जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति करते रहूंगा, इंद्रियों के भोग में लगा रहूंगा। तो जब हमारे मन में ये भावना जागृत होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है हृदय की ग्रंथि को ढीला करने के लिए। तो कह रहे हैं वितीर्षणया, तृष्णा मतलब भौतिक सांसारिक भूख, वितीर्षणया मतलब इस भूख से परे होना है, इस पागलपन की इंद्रियों तृप्ति के पीछे भागना, उससे जो है घृणा होनी चाहिए कि ये कार्य तो जो नीचे से नीचा जीव है वो भी इस प्रकार की इंद्रिय भोग में लगा रहता है, मैं क्यों इस प्रकार के इंद्रिय भोग में लगूं। जब ये भावना जागृत होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन के लिए। अगला कहते हैं द्वंद्वा तितिक्षयाचा, जो सांसारिक जीवन है उसमें द्वंद्व होता है, उसको टॉलरेट करना है। तितिक्षवा मतलब होता है सहन करना है। ये द्वंद्व क्या क्या है देखिए, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, इसको द्वंद्व कहते हैं। कभी जीवन में दुख आएगा, कभी सुख आएगा, हम लोग दोनों से प्रभावित हो जाते हैं। जब भौतिक सुख आ गया, हम लोग बस कूदना शुरू कर दिए, हमारा पांव जमीन पर नहीं टिकते, हम कहते हैं ना पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। अगर आपके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं तो क्या होगा, एक दिन धड़ाम करके गिरोगे। मतलब भौतिक खुशी मिल गई और हम जो है बस कूदने में लगे, मजा आ गया, उसको भी हमें बराबर नजर से देखना है। इसी प्रकार से भौतिक दुख भी आता है, दुख में हमें बिल्कुल गड्ढे के अंदर में चले गए। जब भौतिक सुख आया तो कूद रहे हैं हवा में, जंप मार रहे हैं, और दुख आ गया तो जमीन में गड़ गए। दोनों को बराबर लेना है। ये भौतिक सुख दुख भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये तो ग्रीष्म और सर्दी, इसके बराबर है।
उसके लिए क्या करना है? भगवान कहते ताम स्थितिक्षस्व भारत। क्योंकि ये स्पर्श से आता है। आप देखिए, आपको उदाहरण दे करके समझाते हैं। अभी गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी के समय में आप पंखा लगाइए, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। गर्मी के समय में आप एसी लगाइए, आप बड़े आराम से सोएंगे। सर्दी का समय चल रहा है, बहुत ठंड है, 0 डिग्री का या 4 या 5 डिग्री का तापमान चल रहा है, आप पंखा चलाइए, आपको बहुत कष्ट होगा। आप एसी चलाइए, और ज़्यादा कष्ट होगा। अरे अब देखिए, शरीर तो वही है, लेकिन वही पंखा है, वही पंखा आपको गर्मी में मजे दे रहा है, सर्दियों में कष्ट दे रहा है। मतलब क्या है? ये ही संस्पर्श जाम, ये स्पर्श के कारण आता है। सुख और दुख इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु की भांति है। कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ताम स्थिति क्षस्व भारत। हमें उसको टॉलरेट करना है, सहन करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, गर्मियों के समय में 40 के ऊपर तापमान जाता है, 42, 45, 45 तक चला जाता है। तो क्या माँ बोल देती है, बेटा आज बहुत गर्मी है, आज जब तक गर्मी का सीज़न रहेगा मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि गैस के ऊपर खाना और ज़्यादा गर्मी लगेगी। माँ क्या करती है? टॉलरेट करती है, सहन करके फिर भी अपना कर्तव्य पूरा करती है। अब सर्दियों में जैसे हम लोग देखते हैं कुंभ मेला में, बड़े बड़े साधुगण लोग आते हैं, वो इतनी ठंडी के अंदर में भी नदी में जाकर के स्नान करते हैं, त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं, संगम में जाकर के स्नान करते हैं। मतलब टॉलरेट करना है, सहन करना है। तो ये भगवान बता रहे हैं, ये सहन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए। भौतिक खुशी में, भौतिक दुखों में बराबर रहना है, टॉलरेट करना है। तो ये अगला भगवान बता रहे हैं। और क्या बता रहे? देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो आगे बता रहे हैं। सर्वत्र जंतोर व्यसना अवगत्या। अवगत्या का मतलब है ये अनुभव आ जाना चाहिए। क्या अनुभव आ जाना चाहिए? सर्वत्र जंतोर व्यसना, जितने भी जंतु हैं, चाहे कोई स्वर्ग लोक में है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे भाई ये पक्षियों का जीवन बहुत बेटर है। कई बार लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई मैं पक्षी होता तो कितना अच्छा होता। कवि कवि लोग भी लिखते हैं, अगर मैं पक्षी होता तो पंख फड़फड़ा करके उड़ता, ऊंचे आसमान तक जाता। मतलब उसको अनुभव नहीं है। क्या अनुभव नहीं है? हम लोग सोच रहे हैं कि केवल मानव जीवन में चिंता है, पक्षी बड़े आराम से उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी जंतु हैं, सर्वत्र जंतोर, जितने भी जंतु हैं, इंद्रलोक में, स्वर्ग लोक में इंद्र राजा, वो भी टेंशन से फ्री नहीं है। जब भी धरती के ऊपर कोई तपस्या करता है, इंद्र की टेंशन भी बढ़ जाती है, उसके मन के अंदर में भी पीड़ा होती है देख करके कि भाई ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तपस्या करने के बाद में सीधा स्वर्ग लोक आएगा, स्वर्ग लोक आकर के मेरा राज्य लेगा, मेरी राजगद्दी पर बैठ जाएगा। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उसने बहुत प्रयास किया। तो ये है, कोई भी जंतु, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में लोग खुश हैं। तो ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, ऋषभदेव जी बता रहे हैं। जब तक ये अनुभव नहीं आएगा, प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई, अभी मनुष्य जीवन में कष्ट भोग रहा हूं, अगर मैं भी अंबानी जैसा पैसा वाला बन गया तो शायद मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, या फिर मैं स्वर्ग लोक इंद्र की तरह बन गया तो फिर मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, तब हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो क्या अनुभव होना चाहिए? वो ऋषभदेव जी कह रहे हैं, सर्वत्र जंतोर व्यसना। व्यसना मतलब कष्ट में है। अवगत्या, ये अनुभव आना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी जंतु इस भौतिक संसार में, स्वर्ग से लेकर के नरक, पक्षियों से लेकर के मनुष्य से लेकर के कीड़े मकोड़े,
सब कोई अनेकों प्रकार की व्यथा में है, कष्ट में है, तब हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, तब ये हृदय की ग्रंथि ढीली पड़ेगी, नहीं तो ढीली नहीं पड़ेगी। और क्या देखिए बता रहे हैं, जिज्ञासया, और जिज्ञासा करनी है मनुष्य जीवन में। जब तक जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तब तक आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे। जिज्ञासा क्या होती है? जिज्ञासा ये नहीं कि भाई आज गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, ओ मजा आ गया गोल्ड का प्राइस गिर गया, अब मैं बहुत सारा सोना खरीद लूँगा, शेयर मार्केट में रेट क्या चल रहा है, ये भी जिज्ञासा है। ये भी अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएँ होती हैं, इंक्वायरी होती है। ये इंक्वायरी नहीं, ये किस लिए है? ये केवल खाने पीने सोने के लिए मात्र है। ये तो जानवर भी करता है, कहाँ पर खाने के लिए मिलेगा, कहाँ पर सोने के लिए मिलेगा। मनुष्य जीवन में ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा कैसे प्रारंभ होती है? मैं कौन हूं, क्या हमें पता है? जीवन आने से पहले, मेरा जन्म होने से पहले मैं कहाँ था, क्या हम पूछते हैं ये प्रश्न? जीवन अंत होने के बाद में, मृत्यु के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, कोई नहीं पूछता है। जीवन के पहले कहाँ था, जन्म के पहले, मृत्यु के बाद कहाँ, हम केवल जन्म हुआ मृत्यु हुई उसके बीच का जीवन जीते हैं बस। इससे पहले क्या था, आगे क्या होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में। फिर हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये जिज्ञासा आना महत्वपूर्ण है। और क्या जिज्ञासा आनी चाहिए कि भाई मैं तो सुख चाहता हूं, मैं तो आनंद चाहता हूं, है ना। कोई भी कष्ट आता है, जैसे आपके सर में दर्द होता है, आप उसका निवारण चाहते हैं कि नहीं? क्या आप सोचते हैं नहीं सारे दिन सर दर्द रहने दो, मैं तो आराम से बैठूंगा? सर दर्द होता है, आप जाकर के पैरासीटामोल की गोली लेते हैं। मतलब क्या है, कोई भी कष्ट आए हम उसका निवारण चाहते हैं। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए ना कि भाई मैं तो आनंद चाहता हूँ, ये कष्ट आते क्यों हैं मेरे मन के अंदर में? तो मैं कष्ट तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं तो आनंद में रहना चाहता हूँ, तो ये कष्ट क्यों आते हैं? मैं एक दिन मरना नहीं चाहता, ये मृत्यु क्यों आती है? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, ये सब क्यों आती है? ये प्रश्न जब हम पूछेंगे तब जाकर के हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, जिज्ञासया, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा करनी चाहिए। तपसेह निवृत्त्या, और तपस्या के द्वारा, निवृत्त्या का मतलब होता है भोग विलास को तपस्या के द्वारा छोड़ा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। जब हमारा मन कह रहा है नहीं मैं तो ये खाऊंगा, मुझे जाकर के रेस्टोरेंट में लंबी लाइन में लग करके लोग खड़े हुए हैं कुछ दिलचस्प चीज खाने के लिए, तो जब हम थोड़ी तपस्या करेंगे कि मनुष्य जीवन में माइंड को कंट्रोल करना है, अपनी अलग अलग प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करना है, उसको तपस्या कहते हैं। तो तपस्या के द्वारा निवृत्त्या, भोग विलास के जीवन से अलग रहना, उसको तपस्या कहते हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा वो कह रहे हैं हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, हमारे हृदय की ग्रंथि धीरे धीरे खुल जाएगी। और अगली शिक्षा में क्या कहते हैं, वो कहते हैं मत कर्म भीर, जो भी कर्म करना है मेरे लिए करना है। आज हम लोग किसके लिए कर्म करते हैं, मैं और मेरा। तो मतलब मैं और मेरे के लिए अगर हम लोग कर्म करते रहेंगे तो फिर हम इस भौतिक संसार में ही पड़े रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। इसको हमें बदलना है, मैं और मेरे की जगह भगवान आपका, मैं केवल आपके लिए कर्म करूंगा। अर्जुन को देखिए, यही तो किया भगवान ने। पूरी भगवद गीता का मतलब क्या है, अर्जुन पहले अपने लिए सोच रहे थे, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनको मैं मार दूंगा, मैं नरक लोक में जाऊंगा। बाद में भगवान की भगवद गीता जब भगवान ने सुनाई, उसके बाद में कहते भगवान करिष्ये वचनम तवा, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। बस हमें ये करना है, अपने लिए कर्म छोड़ करके भगवान के लिए कर्म करना है। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बाजार जाना है बाजार जाएंगे,
बहुत सारी चीज़ें आप लेकर के आते हैं, स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए लेकर के आते हैं, बट मेंटालिटी चेंज करनी है, मानसिकता, आपके विचार बदलने हैं, आपकी क्रिया बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग जाते हैं बड़े उत्साह के साथ में जाते हैं कि भाई आज बढ़िया खाना बनाऊंगा घर के अंदर में, पत्नी बनाएगी, स्वादिष्ट हम लोग भोज खाएंगे घर में बैठ करके। ये केवल मानसिकता बदलनी है कि आज मैं उत्साह के साथ में जाऊंगा और भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं लेकर के आऊंगा, भगवान को भोग चढ़ाऊंगा और बाद में प्रसाद के रूप में फाइनली मुझे ही तो मिलेगा। भगवान थोड़ी, भोग का मतलब ये नहीं है कि भगवान सब कुछ खा जाएंगे। भगवान केवल देख करके, वो भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं, वो सारी वस्तुएं आपके लिए ही तो छोड़ेंगे। लेकिन जब वो प्रसाद हो जाता है, जब भगवान उसको ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। जब तक मटेरियल है, जब तक भौतिक है, उसको खाने से आप पाप कर्म खा रहे हैं। जब भगवान ने ग्रहण कर लिया, आप जब उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उससे आपके भौतिक बंधन खुल जाते हैं, वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मानसिकता चेंज करनी है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैं अपने लिए पैसा कमा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, आपको ये सोचना चाहिए कि ये प्रोप्राइटर, ये मेरे बिजनेस का मालिक कौन है, वो तो भगवान है। भगवान के लिए कार्य करूँगा, उनके लिए प्रॉफिट कमाऊँगा, और जो दास की भांति मुझे मेरे परिवार को चाहिए उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन बाकी का जो एक्स्ट्रा धन है, उसको सेंस इंजॉयमेंट में, इंद्रिय तृप्ति में लगाने की जगह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बड़े बड़े फेस्टिवल बनाओ, लोगों को बुलाओ, प्रसाद खिलाओ, भागवत कथा करो। भागवत कथा ये प्रोफेशनल द्वारा नहीं, 10-10, 20-20 लाख रुपये दे करके नहीं, उस प्रकार की कथाओं से केवल मनोरंजन से कुछ नहीं मिलेगा। परम हंस के द्वारा, उनके द्वारा हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए तो बता रहे हैं। तो और इसी के बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।